अस्सलामुअलैकुम, मैं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अहम खबर दें आपको। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC इजलास, कोरोना की बदलती सूरत हाल और वैक्सीनेशन की कौमी हिकमत अमली का जायजा लिया गया। NCOC का मुल्क में कोरोना की मजमू सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। इजलास में कोरोना की मुस्बत शरह और बीमारी के फैलाव के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। तफसीलात जान लेते हैं बोली उसकी नुमाइंदा आमना अली से। आमना बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ है। इजलास में कोरोना की बदलती सूरत हाल और वैक्सीनेशन की कौमी हिकमत अमली का जायजा लिया गया है। इजलास में कोरोना की मजबूत शरह और बीमारी के फैलाव के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इसके साथ साथ NCOC का कोरोना की मजमू सूरत हाल पर जो है उनकी जानब से इजहार इत्मीनान किया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में नए केसेस और अमवात की तादाद इत्मीनान का इजहार किया गया है NCOC की जानिब से, और सूबों को वैक्सीन के हवाले से इकदामात मजीद तेज करने की हिदायत भी जारी की गई है। जी आमना, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।